एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल देखा है, आज हम बात करने वाले हैं मेरे बैग कलेक्शन के बारे में, क्योंकि मैंने अपना बेडशीट कलेक्शन डाला था, आप सबको बहुत पसंद आया था एंड आप लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट्स भी किए थे कि अपना बैग कलेक्शन दिखाना। तो मेरा बैग कलेक्शन आज मैं आपके साथ शो करने वाली हूँ। ये जो वार्डरोब है, इसके अंदर मेरा सामान होता है, मेरे बैग्स रखे हुए हैं, हैंड बैग है, क्लच है, स्लिंग बैग है एंड टोट बैग्स है, ऑफिस बैग है, वो सारे बैग्स मेरे इसमें हैं। एंड मैंने अभी कुछ एक नया बैग भी मंगाया है जो कि ज़ूक का है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ज़ूक ब्रांड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये हमारी इंडियन ब्रांड है एंड ये वीगन होती है और इसमें किसी भी तरह की एनिमल क्रुएलिटी नहीं होती है। इसलिए तो मैं काम करती हूँ थोड़ा सा बैग के ऊपर से। यहाँ पे एक कॉल आ रहा है, रुकिए मैं पहले इसको रिसीव कर लेती हूँ। तो फ़ोन था कंपनी का, एनीवेज जाने दो उस फ़ोन को। एंड अब मैं पहले अपने सारे बैग्स जो हैं वो निकाल लेती हूँ बेड के ऊपर। वर्मा जी ने सामान फैला रखा है, वो बाहर वाले रूम में है। थोड़ा सा बेड खाली करती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखो, ये कपड़े भी थे एंड यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने मिंत्रा से कुछ शर्ट ऑर्डर करी थी, सो वो भी आ गई है। तो अभी उन्होंने ट्राई किया है बट साइज़ का कुछ इशू है, वो एक्सचेंज होएगा। तो चलो मैं कर लेती हूँ, पहले बैग्स निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ एक एक करके। ओके गाइज, तो मैंने यहाँ पे अपने सारे जो हैंड पर्स बैग्स वगैरह है वो सब बेड पे निकाल के रख लिए हैं। अब मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती जाती हूँ और बताती हूँ अपने बैग्स के बारे में। ये मेरा बैग कलेक्शन है, सो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने येलो लावी के बैग से, और वो उसके बगल में ज़ूक का रखा है, फिर यहाँ पे लिनो पैरोसो का रखा है। ये सब मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करा है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बैग्स आपको दिखाई देंगे, जो कि पोटली बैग है, ये स्लिंग बैग है। ये देखिए, ये जो ज़ूक का बैग है ये मेरे को बहुत पसंद है। ये स्लिंग बैग है, ये भी ज़ूक का है। ये देखिए, ये बैगेट का बैग है जो कि मुझे गिफ्ट मिला था। तो ये सारे बैग्स जो है मेरे पहले के बैग्स हैं। ये भी देखिए, एक ज़ूक का क्लच है और ये हो गया एक ज़ूक का स्लिंग बैग। तो इस तरह से मेरे जो ये बैग कलेक्शन है वो ये मेरा ओल्ड कलेक्शन है। अब मैं आपको अपना नया कलेक्शन दिखाती हूँ। उसके लिए मैं अपने फ़ोन को यहाँ लगा देती हूँ और अब मैं आपको बैठ करके आराम से दिखाती हूँ। तो पीछे आपने देख लिया मेरा ये बैग कलेक्शन जो कि मेरा पहले का है, और इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे बैग्स हैं जो यहाँ पे नहीं हैं। कुछ बैग्स हैं जो मेरठ में हैं एंड कुछ बैग्स जो हैं वो मेरे मेरे घर में फतेहपुर में रखे हुए हैं। सो इस तरह से बैग का कलेक्शन इधर उधर रहता है। एंड पोटली बैग्स भी मेरे पास अभी भी बहुत सारे हैं जो उधर घर पे रखे हुए हैं, ट्रेडिशनल बैग्स जो होते हैं। एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल से अमेजोन से मैंने पोटली बैग लिया था। सो ये इस तरह का कलेक्शन है। अब बात करते हैं हम अपने न्यू बैग की, जो कि मैंने अभी मंगाया है ज़ूक से। ये देखिए, ये एक ऑफिस बैग है ये, एंड इसकी क्वालिटी, ओ माय गॉड, ये बैग्स मुझे इतने ज़्यादा पसंद है कि मेरे पास स्लिंग भी है, क्लच भी है, टोट भी है। अब एक ऑफिस बैग मैंने इसलिए लिया, ऑफिस नहीं जाती हूँ मैं, बट मेरे पास ऐसा होता है ना, कभी हम बाहर जाते हैं तो हमको बड़े बैग की ज़रूरत होती है। तो बड़े बैग में क्या होता है ना, ऑफिस बैग में बहुत स्पेस होता है, ये देखिए बहुत स्पेस होता है। एंड इसके कलर, इसके डिज़ाइन इतने ज़्यादा मुझे पसंद आते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये ऑफिस बैग मंगा लिया। इन केस अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं तो आप इस बैग को ज़रूर परचेज कर सकती हैं। इसमें ना लैपटॉप रखने के भी अलग से स्पेस दिया हुआ है। ये देखिए, लैपटॉप रखने का कंपार्टमेंट है, इसको आप यहाँ पर इसको कवर कर दीजिए। एंड यहाँ पर पेंसिल, आपका मार्कर एंड फ़ोन रखने तक का भी बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है इसका। ये जो बैग है ना, ये न्यूली लॉन्च था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका कलर, प्रिंट, डिजाइन। एंड यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग दी हुई है ज़ूक, और इसका हैंडल देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा इजी है, इजी टू कैरी, आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, ये हमारी इंडियन ब्रांड है, इसमें किसी भी तरह की एनिमल क्रुएल्टी नहीं होती है। एंड ये वीगन होता है और ये लाइट वेट है, तो आप इसको जितना भी सामान भरेंगे ना उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लाइट है। एंड इसकी जो कलर प्रिंट होता है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल होता है, तो हमारे इंडियन वेयर से जल्दी से ये तुरंत ही मिक्स एंड मैच हो जाता है।
सो यहाँ पे आप डिटेलिंग वगैरह देख सकते हैं, काफी ज्यादा सुंदर है। एंड मैंने जो नेक्स्ट बैग मंगाया है ना, वो है मेरा ये ज़ूक का एक और स्लिंग बैग। स्लिंग बैग मेरे पास ऑलरेडी दो थे, बट ये इसका शेप एंड कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट कलर था। ये देखिए इसका जो कलर है, ये पिंकिश कलर है, लड़कियों को पिंक कलर अच्छा लगता ही है। शेप इसका बहुत क्यूट है। एंड यहाँ पे ज़ूक की ब्रांडिंग दी हुई है, यहाँ पे आपको जिप दी है, इसकी जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सो अभी नेक्स्ट जो भी मैं ट्रिप कहीं घूमने वगैरह जाऊंगी तो स्लिंग अगर लेना है तो मैं ये वाला बैग ही कैरी करने वाली हूँ। इनकेस आपको भी ये बैग्स अच्छे लग रहे हैं तो मैं लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड मैं अपना एक कूपन कोड दे दूंगी, स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी। इनकेस आप इसको लेना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये मेरे दो न्यू बैग हो गए जो मैं अपनी बैग कलेक्शन में रख देती हूँ, तो एक बार आपको और दिखाती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा बैग कलेक्शन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सा बैग आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन से ज़्यादा आपके पास इसमें से कौन सा बैग है वो भी आप बता सकते हैं मुझे। और क्या, आप मुझे ये सिर से अंदर सब सेट करना पड़ेगा, निकालना तो आसान होता है, फिर से उसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, बट कोई बात नहीं, इस बहाने अलमीरा भी थोड़ी सी ठीक हो जाती है। तो चलो फटाफट से मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ। ओके गाइज, तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर करिएगा, एंड आपको इसमें से जो भी बैग अच्छा लग रहा है उसकी लिंक मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, एंड मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर करते रहिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।